हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है मोल कंसेप्ट के बारे में बेसिक पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए थे, और वहां पे मैं एक बार के लिए मोल कंसेप्ट को थोड़ा रोकूंगा, ठीक, क्योंकि इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें जान लें। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें आना जरूरी है, ठीक है। उसी में एक चीज होती है अपने को कि हमें किसी कंपाउंड का नाम देख के उसका फॉर्मूला लिखना या फॉर्मूला देख के उसका नाम लिखना। मैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि सिंपली मेरे को बोल दिया जाए पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट सुनते ही बहुत सारे बच्चों के तो दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में नहीं जाएगा, इलेवंथ वाले बच्चे के तो खास तौर पे, कि सर ने कौन सा कंपाउंड लिख दिया, हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखें, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है। आज हम लोग जो है एक बहुत ट्रिक के साथ, ठीक है, ये अपनी बनाई हुई ट्रिक्स हैं, और इनके साथ आप लोगों को एक बहुत मजेदार टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसको आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। तीन चार लेक्चर हम लोग इस पे लेंगे। आप लोग अगर इसको थ्रूली और अच्छे से करते हैं तो एक तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, इसमें सर पक्का मजा आएगा, पक्का आएगा, ठीक है, बता रहा हूं। तो बस आप बस इसको थ्रूली फॉलो करिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ मजे मजे में, या ठीक है, एंजॉय एंजॉय में आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख जाओगे, ठीक है। आप लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह के फॉर्मूला, उनका नाम लिखना सीख जाओगे, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, तीन चार लेक्चर में कंटिन्यूटी बनाए रखें, बार बार अपनी कॉपी पे उस चीज को प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज, आप लोगों की मोल कंसेप्ट की एक डीपीपी अपलोड की गई है, इस डीपीपी को डाउनलोड करें, और बेसिक चीजें हैं, बहुत आसान डीपीपी है, इसको आप थ्रोली सॉल्व करें। इसके एक दो दिन के अंदर अंदर जब मुझे लगेगा कि हाँ आपके पास सफिशियंट टाइम और आपने कर लिया, मैं उसका एक डिस्कशन वीडियो बना करके भी अपलोड करूंगा, तो आप उसको कंटिन्यूटी उसको भी साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही मजेदार सी चीज, मजेदार सा टॉपिक, ठीक है, जिसको आप अच्छे से एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए, ठीक है, आपके सामने एक बहुत काम की चीज आएगी। चलो करते हैं बात स्टार्ट। अभी जैसे मैंने पोटेशियम क्लोरेट आपसे पूछा है ना, ठीक है, तो कोई कंपाउंड का जब फॉर्मूला लिखना आप सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको मैं अभी तो मैं बता दे रहा हूं पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, KClO3 होता है, ठीक है, KClO3 होता है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक पार्ट कैटायन है, एक पार्ट एनायन है, ठीक है। तो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने में और कंपाउंड को समझने में उसके कैटायन और एनायन की नॉलेज रखना जरूरी है ना। तो पहले मैं आप लोगों को डायरेक्ट कंपाउंड पे जंप नहीं मारूंगा, पहले मैं आपको कैटायन का अलग से और एनायन का जो है अलग से एक इंफॉर्मेशन दे के चीजों को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एनायंस का नाम लिखना, एनायंस के नेमिंग में किन बातों का ध्यान रखना होता है ये मैं पहले सिखाऊंगा। पहले मैं एनायनिक पार्ट से डील करूंगा, ठीक है, एनायन को डील करके थोड़ा सा कैटायन को, कैटायन में ज्यादा डीलिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एनायन और कैटायन इन दो चीजों को मैं जो है आपके सामने डील करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, अभी स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आप लोगों को लगेगा कि सर तो बोल रहे थे मजेदार पॉइंट है, आएगा, ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझिए यार कि ये जो एनायंस होते हैं ना, एनायंस, ठीक है, ये एनायंस जो होते हैं वो किसी एसिड के H प्लस हट जाने से, मान लो कोई एसिड है HA, ठीक है, HA एसिड है, ठीक है, और इसका मैंने H प्लस हटा दिया तो बदले में क्या है मेरे पास, A माइनस बना, ठीक है। कल को H2A है, तो H2A में मैं दो टाइप के एनायन बना सकता, एक तो मैं केवल एक H प्लस हटाऊं तो उसके चलते HA माइनस बनेगा, ठीक है, एनायन के नाम पे। A यहां पे मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा, बताया नहीं कि कौन है, ठीक है। तो HA का अगर H प्लस हटाया A माइनस बनेगा, H2A टाइप में H प्लस हटाया ऑब्वियसली बात है HA माइनस बनेगा, तो है तो ये एनायन ही ना, ठीक है। या इसका मान लो दो H प्लस हटा दिया, दोनों हटा दिए तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2 माइनस बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एनायन है, ये क्या है, एनायन है, ठीक है। तो आप लोग एनायन का जो नामकरण मैं आप लोगों को आज करने सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि एनायन को आप किसी एसिड का H प्लस हटाने के बाद जो चीज बच रही है वो बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, कई केस में हमें एच जानबूझ के भी हटाना पड़ सकता है, हो सकता है उसमें कोई एसिडिक नेचर ना हो, तो हम ये मान लेंगे कि चलो हमने जबरदस्ती हटा दिया, ठीक है, पर एच प्लस हटा करके उसके बदले में जो चीज बच रही है वो हम लोग उसको एज एनायन ट्रीट करेंगे, ठीक है, और उसी का नामकरण करना सीखेंगे। तो
तो मैं एनायन के नाम पे सबसे पहली बात तो बच्चों के साथ ये शुरुआत करता हूं प्यारे बच्चों कि एनायन जो है वो किसी एसिड से बने हैं, उसके एच प्लस को हटा के बने हैं। ठीक है, ये बस मैं कुछ चीजें, ये ट्रिकी वीडियो है ये, इसमें मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स के साथ चीजों को लेके चलूंगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि एनायनिक पार्ट जो है वो आप ये समझिए कि किसी एसिड के एच प्लस हटाने से बने। अब अगर इसमें दो एच प्लस देने लायक है ये, तो उसमें आप एक भी हटा सकते हो, दो भी हटा सकते हो। एक हटाओगे तो एच ए माइनस बनेगा, दो हटाओगे तो ए पे टू माइनस बनेगा। तो इसके बोल सकते हैं कि दो टाइप के एनायन बने। ठीक है, H3A, ठीक है, H3A में ऑब्वियस बात है मेरे पास कितने टाइप के एनायन बन सकते हैं। ठीक है, तीन टाइप के एनायन बन सकते हैं। क्यों? सिर्फ एक एच प्लस हटाया होता मैंने, केवल एक एच प्लस, तो ऑब्वियस बात है H2A माइनस बनता। दो हटा दिए होते तो HA टू माइनस बनता। तीन हटा दिए होते तो तीन हटा दिए होते तो ए पे थ्री माइनस बनता। ठीक है, तो ये तीन टाइप के एनायन मेरे पास बन गए इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मुझे आयनिक कंपाउंड का नाम फॉर्मूला लिखना सिखाना है। आयनिक कंपाउंड का नाम फॉर्मूला लिखने के लिए आपको कैटायन एनायन दोनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एनायन से। एनायन में मैं बोल रहा हूं कि एनायन जो होता है आप उसको किसी एसिड का डेरिवेटिव समझ लीजिए कि हमने उसका एच प्लस हटा दिया। ठीक है, या कई केस में अगर उसमें एसिडिक नेचर नहीं दिया तो भी हमने उसका जबरदस्ती एच प्लस हटा दिया। ठीक है, और उसके बदले में जो पार्ट बचा वो अपने आप में एक एनायन का काम करेगा। तो एक्चुअली हम एसिड के नाम से एनायन का नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एसिड के नाम से एनायन का नाम लिखने जाएंगे। ठीक है, और यही मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। देखो यार, एसिड जो होता है ना उसको हम लोग जनरली जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब शुरुआत है यार 11th की। ठीक है, केमिस्ट्री में मैं कुछ ऐसे वर्ड भी मुझे यूज करने पड़ेंगे जो हम लोग वैसे डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं उस आगे वाली डिटेल के लिए ये तो नहीं है कि उन वर्ड को बिल्कुल यूज ही ना करूं, जरूरत पड़ रही है तो यूज भी करेंगे। एसिड को एक्चुअली हम दो टाइप के अंदर कैटेगराइज करके चल सकते हैं। ठीक है, कौन से दो टाइप में? एक मैं बोलूंगा हाइड्रा एसिड, आप डिफरेंस समझोगे। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। एक होता है हाइड्रा एसिड, ठीक है, एक होता है आपके पास ऑक्जी एसिड। ठीक है, दो टाइप के एसिड होते हैं अपने पास, एक हाइड्रा एसिड होता है, एक ऑक्जी एसिड होता है। ठीक है, डिफरेंस को मैं आपको क्लियर करवाता हूं। एक बात बताओ, मैंने यहां एच आई लिखा, एच आई में अगर एच प्लस अलग होगा तो किससे होगा? आयोडीन से होगा। ठीक है, एच सी एल में अगर एच प्लस अलग होगा तो किससे होगा? क्लोरीन से होगा। ठीक है, कल को एच टू एस लिखा, इसमें अगर हाइड्रोजन अलग होगा तो किससे होगा? सल्फर से होगा। ठीक है, मान लो PS3 लिखा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के अंदर इतनी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होती, वो सब आगे की बात है, लेकिन मान लो मैं इसका जबरदस्ती हाइड्रोजन हटाने पे आ ही जाऊंगा तो ये किससे हटेगा? फॉस्फोरस से हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम हट रहा है वो अलग अलग एटम से हट रहा है, इसमें कभी आयोडीन से हट रहा है, किसी में क्लोरीन से हट रहा है, किसी में सल्फर से हट रहा है, किसी में फॉस्फोरस से हट रहा है। ठीक है, ऑक्सी एसिड की खासियत क्या होती है? ऑक्जी एसिड की खासियत ये होती है, ऑक्जी वर्ड जो है वो ऑक्सीजन के लिए यूज किया गया है। ऑक्जी एसिड की खासियत क्या होती है कि इसमें कोई एक एटम रहता है जिसको हम लोग आगे चल के नाम देंगे सेंट्रल एटम। ठीक है, इस सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है और इस ऑक्सीजन के साथ जो है ना हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, यह हाइड्रोजन डायरेक्टली इससे नहीं जुड़ा होगा, हर बार ये जो हाइड्रोजन आपको जुड़ा हुआ मिलेगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्या बोला बच्चों? मैंने बोला कि इस केस में हाइड्रोजन हर बार आपको किस से जुड़ा हुआ मिलेगा? ऑक्सीजन से। इसमें OH ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे, OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं आपके सामने एक नाम फॉर्मूला लिखूं H2SO4। ठीक है, हमने शुरुआत करी है, आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़नी है, उसमें स्ट्रक्चर से बनाना सीखना भी है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो H2SO4 की कहानी कुछ ऐसी होती है, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, एक OH रहता है, ठीक है, एक OH रहता है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां सल्फर से हाइड्रोजन अलग होगा या ऑक्सीजन से अलग होगा? ऑक्सीजन से अलग होगा। ठीक है, अच्छा, इसी की बजाय आप चाहो तो H3PO4 ले सकते हो। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं बनवाऊंगा आगे चल के। ठीक है, थोड़ा ध्यान पेशेंस रखो, जितना अभी जितनी जो चीज अभी बताई जा रही है ना केवल उस बात पे फोकस करो। मैं आपको अभी तो बस इतना बता रहा हूं कि ऑक्जी एसिड क्या होता है। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा रहा हूं। ठीक, तो बात यह कि ऑक्जी एसिड में आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से।
क्या फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसमें हाइड्रोजन हटाऊंगा तो हाइड्रोजन किससे टूट के अलग होगा? ऑक्सीजन से टूट के अलग होगा। इसमें हाइड्रोजन हटाऊंगा तो किससे टूट के अलग होगा? ऑक्सीजन से टूट के अलग होगा। भले ही ये एसिड अलग अलग है, इनका सेंट्रल एटम सल्फर फॉस्फोरस अलग अलग है। एक और लिखना चाहूं तो मान लो मैंने HClO3 लिख दिया, ठीक है, तो HClO3 लिख दिया तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, Cl क्लोरीन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। यहां फिर हाइड्रोजन किससे अलग होगा? क्लोरीन से नहीं अलग होगा, ऑक्सीजन से ही अलग होगा, ठीक है। तो एक ऐसी कैटेगरी होती है एसिड्स की जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं और हाइड्रोजन हर बार टूट टूट के किससे अलग होता है? ऑक्सीजन से टूट के अलग होता है, ना कि सेंट्रल एटम के साथ टूट के, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी होती है ना एसिड्स की, इसको आप बोलते हो ऑक्जी एसिड्स। नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्जी वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑक्जी एसिड क्या होता है बच्चा? ऑक्जी एसिड होता है कि एक एटम सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ आगे हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हुआ, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हुआ, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हुआ, लेकिन उसमें क्या फर्क है? उनमें तो इवन ऑक्सीजन दिख भी नहीं रहा है। इनमें तो हाइड्रोजन आयोडीन से अलग हुआ, हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हुआ, हाइड्रोजन सल्फर से अलग हुआ। यहाँ जो हाइड्रोजन है ना वो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है। जो बीच वाला एटम है, जैसे इसमें सल्फर है, उसके अगल बगल दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके अंदर फॉस्फोरस है, उसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और इनमें हाइड्रोजन डायरेक्टली SP या CL से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब एक बच्चे को ऑब्वियस बात है कंफ्यूजन हो सकती है, वाटर को किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। वाटर हाइड्रा एसिड में आएगा, ऑक्जी एसिड में आएगा। तो वाटर में आप इसको हाइड्रा एसिड की कैटेगरी में रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे आप ये नहीं बोलोगे कि सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से टूट रहा है, आपको समझना होगा कि यहां सेंट्रल एटम ही ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां का जो मेन एटम है, सेंट्रल एटम है, वो ऑक्सीजन ही है। हाँ, तो बच्चों इसमें वाटर वाले केस में क्या सीन था कि वाटर वाले केस में हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल से जुड़ा हुआ है, यहां आपको समझना होगा कि सेंट्रल कोई और है, सल्फर है, सल्फर आगे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। उसमें हाइड्रोजन जैसे यहां सल्फर वाला था तो यहां हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा हुआ था, इसी सल्फर के बदले में ऑक्सीजन आया वहां पे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया, हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ गया, ठीक है। तो इसको आप ये बोलोगे कि यहां हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे सेंट्रल एटम कोई और होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन के आगे जो है हाइड्रोजन जुड़ता है, H2SO4, H3PO4, HClO3, ठीक है। और फॉर नाम लिखूं तो H2CO3, HNO3, ठीक है, H3BO3, ठीक। ये सब क्या है? ये सब ऑक्जी एसिड है, जहां आप देखोगे बोरोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, लेकिन हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है, वो इनसे डायरेक्टली जुड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऑक्जी एसिड जहां पे हाइड्रोजन OH ग्रुप की फॉर्म से अलग होता है, OH ग्रुप से अलग होता है, और OH ग्रुप किसी सेंट्रल एटम के साथ चिपका हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा, उससे H अलग होता है, तो आप उसको ऑक्जी एसिड बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है हाइड्रा एसिड। सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं भाई? अभी क्या बताया मैंने कि एनायन जो बनता है उस एनायन को आप किसी एसिड का डेरिवेटिव मान सकते हैं, और एनायन का जब आप नाम लिखने जाओगे ना, ठीक है, तो नाम लिखने में ये चीज मैटर करेगी कि वो ऑक्जी एसिड का एनायन है या वो हाइड्रा एसिड का एनायन है, ये चीज मैटर करेगी, समझो इस बात को, मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे आपको एक जल्दी से एक इंफॉर्मेशन देनी जरूरी थी, ठीक है, कि हाइड्रा एसिड क्या है और ऑक्जी एसिड क्या है। इसको ट्रिक वाला वीडियो मानिएगा, ठीक है, इसको कुछ ट्रिक के थ्रू मैं कुछ चीजें याद कराऊंगा, इसको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो मानिएगा, ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा और आपके बहुत काम आएगी ये चीज, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी कि हम ऑक्जी एसिड किसे बोल सकते हैं और हम हाइड्रा एसिड किसे बोल सकते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि एनायन जो होते हैं ना, उनको हम बोल सकते हैं कि वो इन एसिड डेरिवेटिव्स का, इनके एसिड, इन एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन उनका नाम लिखने से पहले, उनका नाम जो लिखेंगे हम लोग, उनका फॉर्मूला लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो उसमें ये चीज मैटर करेगी मेरा बच्चा कि वो ऑक्जी एसिड से बना है एनायन या वो हाइड्रा एसिड से बना है, उसके अकॉर्डिंग उसके नाम में कुछ कुछ फर्क आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके नाम में कुछ कुछ फर्क आएगा, और वो फर्क क्या है वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। हम तो क्या फर्क पड़ सकता था, जरा उस बात को समझे, ठीक है, क्या फर्क पड़ सकता था। तो जैसे मैंने अभी आपको हाइड्रा एसिड और ऑक्जी एसिड दो बातें बताई, ठीक है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो उनसे एनायन बनेंगे, उन एनायन को भी मैं दो टाइप के एनायन बोलूंगा, एक मैं बोलूंगा नॉर्मल एनायन, ठीक है, एक मैं बोलूंगा ऑक्सी एनायन, ठीक है।
नाम से ही समझ में आ गया होगा, ऑक्जी एनायन वो होंगे जो ऑक्जी एसिड के चलते बनेंगे, ठीक है, और नॉर्मल एनायन वो होंगे जो नॉर्मल एसिड से यानी हाइड्रा एसिड से बनेंगे, ठीक है। इनके नाम से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नॉर्मल एनायन की लास्ट में जो एंडिंग देखोगे ना, आपने 9th-10th में नाम जरूर सुने होंगे, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि इन नाम के पीछे कुछ लॉजिक है थोड़ा सा, ठीक है। जो नॉर्मल एनायंस होते हैं ना, उनके लास्ट में आप लोग देखोगे आई डी ई लिखा हुआ देखोगे, ठीक है, उनके लास्ट में आप लोग आई डी ई लिखा हुआ देखोगे, ठीक है। और ऑक्जी एनायन जो होते हैं ना, ऑक्जी एनायन के लास्ट में आप दो चीजें देखोगे, ठीक है, लास्ट में, ठीक, या तो एट देखोगे ए टी ई या आईट देखोगे, ठीक है, ये पहचान हो जाती है अपने आप में कि वो नॉर्मल एनायन है या वो ऑक्जी एनायन है, ठीक है। नॉर्मल एनायन के लास्ट में आप आई डी ई लिखा हुआ देखोगे, ठीक है, और ऑक्सी एनायन के केस में आप लोग ए टी ई या आई टी ई लिखा हुआ देखोगे। हाँ, ये भी मैं बताऊंगा कि कब एट लगाना है कब आइट लगाना है, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग समझो कि नॉर्मल एनायन और ऑक्सी एनायन क्या है। जो हाइड्रा एसिड के चलते बनेगा ना, उसको आप लोग नॉर्मल एनायन बोलोगे, ठीक है। जैसे मान लो H2S है, ठीक है, तो H2S में अगर मैं हाइड्रोजन हटा दिया और दोनों हटा दिया मान लो, ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर दोनों हटा दिए तो बदले में क्या बचा मेरे पास, एस पे 2- बना, दोनों एच प्लस मैंने हटा दिए, तो उससे एनायन बनना था, बन गया। ये कौन से, इस एनायन को मैं कौन सा एनायन बोलूंगा, नॉर्मल एनायन बोलूंगा। अब ये जो एस टू माइनस बना है ना, इस एस टू माइनस का नाम जब आप लोग लिखोगे तो आप लिखोगे इसे सल्फाइड, आइड लगाओगे यहां पे, ठीक है, तो ये अपने आप में दिखेगा कि यार इसमें ऑक्सीजन नहीं बल्कि ये एक नॉर्मल एनायन है, ठीक है, ये सल्फाइड लगाओगे, आई डी ई सल्फाइड बोलोगे इसे, ठीक है। यही चीज अगर आप लोग यहां करते, H2SO4 है, उसका रूल रेगुलेशन अभी सिखाऊंगा मैं आपको, H2SO4 है मान लीजिए, ठीक है, तो H2SO4 का अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन हटा देता हूं, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन हटाने का मतलब समझ रहे हो, S4O2- बनेगा, ये दोनों H प्लस चले गए, दो H प्लस जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बदले में दो माइनस चार्ज बचेगा, वहां भी दो H प्लस गए तो बदले में दो माइनस चार्ज आया। अब ये H प्लस चाहे अपने से गए हैं चाहे हमने जबरदस्ती हटा दिए, लेकिन मैंने बस हटा दिए, ठीक है, तो बदले में S पे 2- आया जिसको मैंने सल्फाइड बोला है, यहां मैंने दोनों H प्लस हटा दिए, ठीक है, तो बदले में SO4 पे 2- चार्ज आया जिसको, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं बता रहा हूं, पहले तो इसको समझो कि ऑक्सी एनायन क्यों बोला गया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हटा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हटा तो बदले में जो माइनस आया ना वो सल्फर पर नहीं आया, वो ऑक्सीजन पर आया है, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्योंकि मैंने अभी बनाई है तो मैं इसका थोड़ा सा यूज लूंगा, ठीक है। यहां पे ये जो हाइड्रोजन जुड़ा था वो किससे जुड़ा था मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन से जुड़ा था, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा था, ऑक्सीजन से जुड़ा था, तो अगर ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो बदले में जो माइनस आएगा वो ऑक्सीजन पे आएगा, इस सल्फर पर नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन जब जाएगा तो बदले का जो माइनस आएगा वो ऑक्सीजन पर आएगा, ठीक है, तो ये ऑक्सी एनायन हो गया, ठीक, इसको आप ऑक्सी एनायन बोलोगे, ठीक, तो ये ऑक्सी एनायन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस आया और वहां डायरेक्टली सेंट्रल एटम पे, डायरेक्ट उस एटम पे माइनस आया, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक H2SO4 था जिससे SO4 2- बना, ठीक है, एक आपके पास H2SO3 होगा, ठीक है, एक क्या होगा आपके पास H2SO3 होगा, ठीक है, ये जो H2SO3 है अगर इसका मैं दोनों H प्लस हटा देता हूं, ठीक, तो इसके बदले में क्या बनेगा, SO3 2-। मैंने अभी एक चीज छोड़ी है कि अभी मेरे को बताना है कि एट कब लगना है और आइट कब लगना है, ठीक है, और वो मैं सिखाऊंगा अभी, उसी का तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। तो H2SO4 के दोनों H प्लस हटा दिए तो मेरे पास बना SO4 2-। H2SO3 के दोनों H प्लस हटा दिए तो मेरे पास बना SO3 2-। इसके साथ आप लोग जब इसका नामकरण कहीं देखे होंगे, ठीक है, देखे तो है, 11th में आए हैं तो इसका नाम तो देखे ही है, इसके लास्ट में आप हमेशा नोटिस किए होंगे कि सल्फेट लगा होता है, ये वाला ATE लगा होता है, एट लगा होता है, ठीक है, क्यों लगा होता है वो डिस्कस करेंगे, पर आपको पहले आज ये समझ लेना है कि अच्छा जो हम सल्फाइड पढ़ते थे, सल्फेट पढ़ते थे, हम रट लेते थे, उनके पीछे भी कुछ हल्का हल्का लॉजिक होता है। हाँ, होता है, आइड जो लगा रहे हैं वो इस टाइप के केस के लिए लगा रहे हैं और जो ये एट लगा रहे हैं वो इस टाइप के केस के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सी एनायन वाले केस के लिए, ठीक है। और यहां पे जो बनेगा ना इसको मैं बोलूंगा सल्फाइड, आपने नाम कभी पढ़ा हो, ठीक है, मैं तो सिखाई दूंगा, अभी थोड़ा सा वेट करो, ये सल्फेट ये सल्फाइड, ठीक है, तो ये सल्फेट है ये सल्फाइड है, उधर वाला कौन है, सल्फाइड है,
ठीक है, ये तीनों नाम जब मैं बच्चे से अचानक पूछ लू ना, खासतौर पर 11th वाले बच्चे से, कि सल्फाइड क्या है, सल्फेट क्या है, सल्फाइड क्या है, उसे नहीं समझ में आता है कि क्या चल रहा है ये। ठीक है, चल क्या रहा है, मतलब उसको नहीं समझ में आता कि ये एट वर्ड का अपना कुछ मीनिंग है, आइट वर्ड का अपना कुछ मीनिंग है, आई डीई आइट वर्ड का अपना कुछ मीनिंग है। अगर ये मीनिंग उसे पता हो ना, तो उसकी बहुत सारी जो रटने वाली टेंशन है, ठीक है, एक तो काम होता है कि हम सारे के सारे कैठाए नए रट डालें, वो भी करते ही हैं लोग और उनसे भी काम चलता ही है, ठीक है, लेकिन सरदर्द तो बना रहता है, रटने का काम इतना कोई आसान थोड़ना है। ठीक, लेकिन उसी चीज को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर तरीके से समझ के रट लें, रटना तो फिर भी है, लेकिन अगर थोड़ा कुछ तरीका कोई जुगाड़ लगा के समझ लें और उसके बाद रट लें, तो हमारा जो रटने का मतलब सरदर्द होगा वो काफी कम हो जाएगा। तो आज आप लोग पहले तो इस बात को समझें कि आई डी ई जो लगा रहता है ना, और ए टी ई जो लगा रहता है, आई टी ई जो लगा रहता है, वो अपने आप में कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बस मस्ती मस्ती में नहीं लगाया हुआ होता। आई डी ई जो लगा रहता है वो आपको पहचान दिलाता है कि वो किसी टाइप का ऑक्जी एनायन नहीं है, वो एक नॉर्मल एनायन है, जो कि एक नॉर्मल हाइड्रा एसिड का एनायन बोल सकते हो, जैसे H2S कौन सा एसिड था, हाइड्रा एसिड था, तो इससे ये बना है। ठीक है, तो इसको आप एक नॉर्मल एनायन की कैटेगरी में बोलोगे। दूसरी तरफ जो ऑक्जी एसिड से एनायन बनेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन तो आपको हटाना ही है, तो जो एनायन बचेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है, तो उस केस में आप या तो उसके लास्ट में एटी वर्ड यूज करते हो, एट वर्ड यूज करते हो, या आईटी वर्ड यूज करते हो। तो एटी आई का आप देखोगे ना, सुनोगे ना, तो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में जंप करेगा कि हाँ ये कोई ऑक्सी एनायन है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सी एनायन है, इसमें कोई ऑक्सीजन रहा होगा। ठीक है, ऐसी चीज अपने आप दिमाग में जाएगी। ठीक है, तो आइट एट और आइट डिफरेंस करो कि इन तीनों वर्ड में, तीनों को सुनते ही क्या आपके पास दिमाग में कुछ जाएगा। आइट लगा हुआ लास्ट में, एट लगा हुआ लास्ट में, आइट लगा हुआ लास्ट में। ठीक है, तो जैसे ही आप आइट सुनोगे तो आपके दिमाग में जाएगा कि अरे वाह, ये तो ऑक्सीजन है, ये सॉरी नॉर्मल एनायन है, इसमें कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं, बल्कि डायरेक्ट उसी एटम पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, ये जब सुनोगे तो आपके दिमाग में आएगा, अरे वाह, ये तो ऑक्सीजन आयन है, इसके अंदर तो कोई ऑक्सीजन रहा होगा, माइनस ऑक्सीजन पे आया होगा, तो ये एट हो जाएगा और ये क्या, आइट। अभी मैं इसको भी डिफ्रेंशिएट करूंगा कि कब हमें एट लगाना होता है और कब हमें आइट लगाना होता है। ठीक है, अब तीन चार लेक्चर लेने हैं क्या, अभी तो आज सब थोड़ा ना निकल जाएगा। तो आइट एट आइट, ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस को समझो। ठीक है, लास्ट टाइम फिर रिपीट कर रहा हूं, एसिड दो टाइप के होंगे, हाइड्रा एसिड ऑक्जी एसिड। हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ होगा, ऑक्जी एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा और वो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से जुड़ेगा, मतलब वो OH ग्रुप की फॉर्म में होगा ऑक्जी एसिड में जो होगा। ठीक है, हाइड्रा एसिड का H प्लस हटाने से जो एनायन बनेगा उसे मैं नॉर्मल एनायन बोलूंगा, ऑक्जी एसिड का H प्लस हटाने से जो एनायन बनेगा उसको मैं ऑक्जी एनायन बोलूंगा। नॉर्मल एनायन के लास्ट में आप देखोगे आई डी ई लगा हुआ, आइड लगा हुआ देखोगे, ऑक्सी एनायन के लास्ट में आप लोग एट और आइट लगा हुआ देखोगे। ठीक है, ये एक ट्रिक वीडियो है, इसमें मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा आपके साथ, ठीक है, ताकि आप चीजों के एनायन वगैरह को याद कर पाए। ठीक है, तो इसके लास्ट में आप एट या आइट देखोगे, इसके लास्ट में आप आइट देखोगे, तो सल्फाइड सुन के आपको एस पे टू माइनस चार्ज नजर आना चाहिए दिमाग में, सल्फाइड सुन के तो यही नजर आना चाहिए। ठीक है, और ये सल्फेट या सल्फाइड सुन के आपको ऑक्सीजन साथ में और नजर आना चाहिए। ठीक है, और सल्फेट SO4 2- होता है और सल्फाइड जो है वो SO3 2- होता है। ठीक है, समझे आप लोग? ठीक, अब आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, एक्चुअली सबसे पहले अपने ऑक्जी एसिड और ऑक्जी एनायन को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्जी एसिड का नाम कैसे लिखा जाएगा, ऑक्जी एसिड का नाम लिखना सीख लेंगे तो ऑक्जी एनायन का नाम भी लिख लेंगे उसके करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, पहले हल्का सा ज्यादा स्ट्रेस मत लो, दिमाग में दो ही बातें रखो कि एक हाइड्रा नॉर्मल एनायन होता है और एक ऑक्सी एनायन होता है। ठीक है, जो नॉर्मल हाइड्रा एसिड से बनता है वो नॉर्मल एनायन है और जो ऑक्सी एसिड से बनता है वो ऑक्सी एनायन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑक्सी एसिड एंड करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एनायंस का नाम लिखना सिखा रहा हूं। ऑक्जी एनायंस का नाम लिखना, ऑक्जी एनायंस का नाम लिखना जो है सिखा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको ऑक्जी एसिड और करस्पॉन्डिंग ऑक्जी एनायंस का नाम लिखना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो इधर ध्यान दो यार, आप लोग
ध्यान दिए हैं नहीं दिए हैं, ठीक है। ऑक्जी एसिड्स जो होते हैं ना, ऑक्जी एसिड्स, ठीक है, ऑक्जी एसिड्स के शुरुआत दो चीजें होती है, एक प्रीफिक्स होता है और एक ऑब्वियस बात है सुफिक्स होता है, ठीक है। प्रीफिक्स जो नाम के आगे लग गया, ठीक है, दूसरा सुफिक्स, ठीक है, जो नाम के पीछे लग गया। तो ऑक्जी एसिड्स में जनरली आप लोग कहीं कहीं देखोगे कि यहाँ पे कुछ सफिक्स के नाम पे पर लगा हुआ है, ठीक है, या कहीं हाइपो लगा हुआ है, ठीक है, कहीं ऑर्थो लगा हुआ है, ठीक है, कहीं मेटा लगा हुआ है, कहीं पाइरो लगा हुआ है, होता है आप लोग अभी देखोगे अगर नहीं देखा हुआ तो। इनके परफिक्स में यानी इनके नाम के आगे कहीं कहीं पर हाइपो ऑर्थो मेटा पाइरो लगा रहता है, ठीक है, ये इनके नाम की शुरुआत में लगा रहता है, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि ये नाम ऐसा क्यों है, ठीक है, ये नाम की शुरुआत में कब कहां कौन सा परफिक्स यूज करना है, ठीक है। उनके नाम के एंड में जो होता है ना, ऑक्जी एसिड्स के नाम के एंड में या तो आपको आईसी इक एसिड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, या तो आपको इक एसिड लिखा हुआ मिलेगा या आपको ओ यू एस एस एसिड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो परफिक्स की फॉर्म में आपको क्या क्या मिल सकता, पर हाइपो ऑर्थो, ठीक है, मेटा पाइरो, ये सब नाम के आगे लिखे हुए मिल सकते। सफिक्स फॉर्म में आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता, तो इसमें आपको इक एसिड या ओ यू एस एसिड लिखा हुआ मिल सकता, ठीक है। प्रीफिक्स वो ये नाम के आगे लगेगा, ठीक है, सफिक्स नाम के पीछे लगेगा, ठीक है। तो ये पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि ये सब कहां कैसे लगेंगे, ठीक है। एसिड का नाम पहले सीख लेते हैं, तो क्या बोला हूं मैं आपको, नाम के पीछे या तो पर हाइपो ऑर्थोमेटा, सॉरी, नाम के आगे या तो पर हाइपो ऑर्थोमेटा पाइरो जनरली लिखा हुआ मिल जाता है, सफिक्स फॉर्म में यानी नाम के एंडिंग में आपको इक या ओ यू एस लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही बात चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, क्या बात बताना चाहूंगा, मैं बताना क्या चाहूंगा, मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है, कि मैं आपको पांच एसिड बता रहा हूं जिनको आप उनके नाम और उनके फॉर्मूला के साथ याद कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है, ताकि जिसके चलते आपको बहुत सारे एनायंस, बहुत सारे एसिड्स का नाम रटना ना पड़े, ठीक है, उनका नाम तुम अपने आप से बना पाओ। मैं कुछ ऐसा ट्रिक, कुछ ऐसी चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे चाहता क्या हूं, सिर्फ पांच एसिड चाहता हूं जिनका नाम आप लोग जो है रट लें, ठीक है, सिर्फ पांच एसिड मैं आपसे चाहूंगा जिनका नाम जो है वो फॉर्मूले के साथ आप लोग रट लें, और उन पांच में भी तीन या चार तो ऐसे हैं जो आप बहुत बार सुन चुके हो, ठीक है, उन पांच में भी तीन चार तो ऐसे हैं जो आप बहुत बार सुन चुके हो, जो तो उसको तो आप ऐसे मान के चलो कि वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा तो आप लोग बोलोगे हाँ सर ये तो जानते ही है, H2SO4 लिखा मैंने, ठीक है, H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और जो मैंने अभी बताया था आपको कि या तो लास्ट में एक मिलता है या एस मिलता है, अभी दो मिनट और वेट करो, अब आपको आपके लाइफ चीज मिलेगी, मजेदार चीज मिलेगी, लेकिन अभी समझो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इसका नाम और फॉर्मूला दोनों याद है, ऑब्वियस बात है याद होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं HNO3, क्या इसका नाम फॉर्मूला याद है, बिल्कुल याद होगा यार, ठीक है, ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसके भी लास्ट में आपको क्या मिला, इक मिला, क्यों मिला भाई, ऑक्जी एसिड के लास्ट में इक या एस सी लगा होता है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, ये नाइट्रिक एसिड हुआ, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने H3PO4 लिख दिया, ठीक है, इसका भी नाम, अच्छा जरूरी नहीं है कि किसी में चार ऑक्सीजन है, किसी में तीन है, किसी में चार है, किसी में दो हाइड्रोजन है, किसी में एक है, किसी में तीन है, इसीलिए मैं बोला कि रटना है एक एक बार, एक पांच को रट लेना, और पांच के बाद उनसे मिलते जुलते एसिड्स और एनायन के नाम तुम अपने आप लिखोगे, थोड़ा सा वेट करो। H3PO4 जो है, H3PO4 का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस से बना, नाइट्रोजन से बना था नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फर से बना था सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरस से बना फॉस्फोरिक एसिड हो गया, इसके भी लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है। तो अभी मैं जब भी पूछूंगा फॉस्फोरिक एसिड तो आप कम से कम H3PO4 बोलने लायक हो ना, नाइट्रिक एसिड आपको HNO3 पता है ना, तो ये नाम फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैं आपसे एक एक्स्ट्रा में क्या चाह रहा हूं, एक मैं चाह रहा हूं H3BO3, ठीक है, ये बोरोन है या ब्रोमीन है, तो ऑब्वियस बात है ये बोरोन है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ब्रोमिक एसिड मत लिख देना, BR नहीं है ये, बोरोन है ये, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, बोरिक एसिड, बोरोन से बना है ना, बोरोन से बना, तो इसको आप बोलोगे, इसको नाम लिखोगे आप लोग बोरिक एसिड, ठीक है। मैंने कितने बताए थे, पांच बताए थे,
इसका जो पांचवा केस है वो मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूं, HXO3, ठीक है, जहां पे X क्या है, हेलोजन है, ठीक है, X हेलोजन है और X हेलोजन होने के नाते कौन कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, इलेवेंथ में हो तो हेलोजन क्या होता है उतना तो पता है, तो मैं यहाँ पे उस हेलोजन को X लिख दे रहा हूं, यहाँ पे वो क्लोरीन भी हो सकता, ब्रोमीन भी हो सकता, आयोडीन भी हो सकता, ठीक है, HXO3 को मैं बोलूंगा हेलिक एसिड, ठीक है, इसको हेलोजन से बना है ना, तो हेलोजन से बना तो मैं इसको हेलिक एसिड बोल दूंगा, ठीक है। अब देखो ये चीज HClO3 हो सकती थी, HClO3 में अब हेलोजन की बजाय पता है कि वो क्लोरीन है, इसको आप लोग क्लोरिक एसिड बोलोगे, ठीक है, क्लोरिक एसिड। इसी तरीके से आपको पता है कि HBrO3 में, ठीक है, HBrO3 में ब्रोमीन लगा हुआ है, बोरोन नहीं लगा है, ब्रोमीन लगा हुआ है, बोरिक और ब्रोमिक एसिड में डिफरेंस समझना, ये किससे बन रहा है, ब्रोमीन से बन रहा है, तो इसको आप ब्रोमिक एसिड बोलोगे, ब्रोमिक एसिड, ठीक है, इसको जनरलाइज हेलिक एसिड याद रख लो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन हुआ तो आयोडिक एसिड, ठीक है, हर किसी में एक हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन है, ठीक है, हर किसी में एक हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे आयोडिक एसिड, ठीक है, तो हेलोजन HXO3 जहां पे एक्स क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन है, ठीक है, और उस हेलोजन के करस्पॉन्डिंग इसको आप हेलिक एसिड बोलोगे, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में हेलिक बोल दे रहा हूं, क्लोरीन से बना तो क्लोरिक एसिड, HClO3, ब्रोमीन से बना तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन से बना तो आयोडिक एसिड, ठीक है, तो ये तो पहली बात हुआ किस चीज का, ये मैंने वो पांच फॉर्म जो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इनको याद करोगे, ठीक है, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि इन पांच फॉर्म को जो है आप लोग याद करोगे, ठीक है। अच्छा, इन पांच फॉर्म को याद करने के बाद सर हमें क्या फायदा होगा, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया वाला, बहुत अच्छे वाला फायदा आपको होने वाला है। अब इतना याद कर लेने के बाद आप कुछ ऐसी चीजें बना पाओगे जिनका नाम इवन तुम जानते नहीं होगे, फॉर्मूला जानते नहीं होगे, लेकिन आप ऐसे बनाओगे ऐसे, ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं, वो ट्रिक है और वो ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताए वो सब एक एसिड है, उनका फॉर्मूला आपने याद किया है, ठीक है, वो आपको इसीलिए याद रखना था कि कहीं से तो उस ट्रिक की शुरुआत करें, कोई फॉर्मूला तो एटलीस्ट हमें पता हो, फिर उसके बाद हम शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑक्जी एसिड के जनरली लास्ट में इक लगा होता है, जनरली मोस्ट कॉमन इक ही मिलेगा, ठीक है, तो ये इक लिखा हुआ मिला, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो ये जो इक एसिड वाला एसिड है ना मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चीजें सीखें और अब मजा आएगा। इक एसिड में अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं, IC था, इक एसिड था, इस इक एसिड का मैं अगर एक ऑक्सीजन कम कर देता हूं ना, तो वो इक वर्ड चेंज हो जाता है OUS में, ठीक है, S बन जाता है उसके बदले में, एग्जांपल के साथ कराऊंगा तो और समझ में आएगा, ठीक है, तो ये इक एसिड होगा, ये एक ऑक्सीजन कम करोगे तो OUS S एसिड हो जाएगा, एक उसमें से भी एक ऑक्सीजन और कम कर दोगे, या बोलो इक एसिड में से दो कम कर दोगे, ठीक है, तो दो कम कर दोगे तो जो नया ऑक्जी एसिड बनकर आएगा ना, नया ऑक्जी एसिड, उसका नाम लिखने से के अंदर उसके नाम के आगे सबसे पहले हाइपो डाल दोगे, प्रीफिक्स फॉर्म में हाइपो डाल दोगे, नाम के आगे हाइपो जोड़ दोगे और लास्ट में अभी भी इसको ऐसे ही रहने दोगे OUS एसिड, और यहां तो उस एलिमेंट का नाम रहेगा या उसके करस्पॉन्डिंग नाम रहेगा जिस एलिमेंट से ये बना है, ठीक है, तो इसके नाम के आगे हाइपो जुड़ जाएगा, प्रीफिक्स में हाइपो जुड़ जाएगा, सफिक्स में तो आपको इक या एस मिलता है, इस केस में भी एस रहेगा, उस इक में अगर आप लोग एक ऑक्सीजन जोड़ देते हो, क्या कर देते हो मेरे प्यारे बच्चों, उस इक में आप अगर एक ऑक्सीजन जोड़ देते हो ना, एक ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसका नाम हो जाता है, ठीक है, वो जो नया एसिड बनेगा, नया फॉर्मूला बनेगा, उसका नाम स्टार्ट में जो है, ठीक है, उसके नाम की शुरुआत में प्रीफिक्स में पर वर्ड ऐड कर देना, PER पर, और लास्ट में क्या ऐड कर देना, इक रहने देना, ठीक है, पर इक, ठीक, इसका एग्जाम्पल लू आपके सामने, ले ही लेता हूं, ठीक, मेरे को जैसे बोला जाए क्लोरिक एसिड, ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है क्लोरिक एसिड तो ये है, ठीक है, HClO3 यहां पर क्या है, क्लोरिक एसिड है, समझ रहे हो, ठीक है, समझ कह रहे हो, याद किया अभी अभी, क्लोरिक एसिड में कितना हाइड्रोजन होता है, एक होता है, क्लोरिक एसिड में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है, हर किसी में बराबर सेम चीज नहीं है, किसी में चार ऑक्सीजन है, किसी में तीन ऑक्सीजन है, किसी में हाइड्रोजन तीन है, किसी में हाइड्रोजन एक है, किसी में हाइड्रोजन दो है, तो क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HClO3 आपको रट के चलना है, मेरी ट्रिक तभी आप यूज कर पाओगे जब आप इनको याद कर लोगे, ठीक है, ट्रिक बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तो कुछ याद करोगे, और मैं कोई बहुत बड़ा लोड आपको नहीं दे रहा हूं, ये इतने से एसिड दे रहा हूं, इतने से एसिड से अपने कर ले जाएंगे।
कैसे कर ले जाएंगे, ठीक है देखते हैं। ये हटा दे रहा हूं, आपने अगर नोट नहीं किया तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। तो सर बताइए फिर अब, चलो बता देता हूं, ठीक है। आपको क्या है ये चीज का पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग कर ले जाएंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को जैसे बोला HClO3, ठीक है, क्या बोला मैंने, HClO3 बोला, ठीक है। HClO3 इसका फॉर्मूला भी पता है मुझे, इसका नाम भी पता है, ठीक है। ये कौन सा एसिड है, क्लोरिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला होता है HClO3, ठीक है। तो अब मुझे ये अगर ये एक याद है ना, तो मैं चार इसको मिला के चार एसिड के नाम लिखना सिखा दिया हूं मैं आपको। कैसे, अब इसमें से आप एक ऑक्सीजन कम करें, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो HClO3 का अगर एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो एक ऑक्सीजन कम होने से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या आएगा, यहाँ ऑब्वियस बात है HClO2 आएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था, ऐसे कंडीशन में आपके सामने लिखा हुआ है, हटाया भी नहीं है, एक में से एक ऑक्सीजन कम करने के बाद आप वहां का एक जो सफिक्स था वो हटा देंगे, और एक हटा के उसके बदले में OUS एड करेंगे, ठीक है। तो HClO2 जो है वो कहलाएगा आपके पास क्लोरस एसिड, ठीक है। हमने एक हटाया है और इसके बदले में OUS लाया है, ठीक है, क्लोरस एसिड। तो अब अचानक कोई क्लोरस एसिड पूछेगा तो HClO3 आपके दिमाग में रहेगा क्लोरिक एसिड, फिर ये ट्रिक दिमाग में रहेगी कि अरे हाँ एक ऑक्सीजन कम करो, एक ऑक्सीजन कम करने से तो एक से एस बन जाता है, तो क्लोरस हो गया HClO2। कोई मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप में बस मेरे चीजों के साथ चलना होगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड था, उसमें कुछ बेसिक बातें मुझे बतानी जरूरी थी वो मैंने बता दी, इस पार्ट में आप इंजॉय करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो HClO3 आपके लिए क्लोरिक एसिड, उसका एक ऑक्सीजन कम किया तो मेरे को फॉर्मूला भी मिल गया और मुझे नाम भी मिल गया, HClO2 फॉर्मूला है और नाम उसका क्लोरस एसिड है। अच्छा, एक ऑक्सीजन और कम कर दूं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक ऑक्सीजन और कम कर देता हूं, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन और कम करने पे मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा HClO, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि इसको कुछ बुक्स में HOCl वगैरह भी लिखा रहेगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो HClO लिखो चाहे HOCl लिखो, ठीक है, ये है OGACD और इसका एक ऑक्सीजन कम किया गया, दोनों एक ही चीज, ये दोनों एक ही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी मिला और फॉर्मूले के साथ साथ मुझे इसका नाम भी मिला, ठीक है। मैंने क्या बोला है, एस एसिड में से एक ऑक्सीजन और कम कर दिया जाए या एक फॉर्म में से दो कम कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में आप नाम के आगे हाइपो परफिक्स जोड़ देते हो, ठीक है। तो इसका जो नाम बनेगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम बनेगा हाइपो, ठीक है, और आगे वाली चीज वही है क्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपो क्लोरस एसिड था ना, मजेदार। इसका नाम आपको पता था, पता था तो अच्छी बात है, नहीं भी पता था तो बिना पता हुए भी आपने फॉर्मूला भी लिख दिया और नाम भी लिख दिया, बस आपको वो चीज, ये चीज आपको दिमाग में फोटोटाइप छाप लेनी है, ठीक है, फोटोटाइप दिमाग में आपके वो चीज छप जानी चाहिए। अभी एक और बच रहा है, अभी तक तो मैं हटाने की बात कर रहा था, ठीक है, रिमूव करने की बात कर रहा था, लेकिन एक काम और भी तो कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है, एक ऑक्सीजन बढ़ाने की बात करो, ठीक है। लेकिन ये जोड़ना घटाना करने के लिए, ऑक्सीजन जोड़ना है घटाना है, उसके लिए आपको एक इनिशियली एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें ना जोड़ोगे घटाओगे, इसीलिए मैंने इसको याद करने को बोला। जब आपको क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप उसमें जोड़ या घटा पाओगे। अब इसमें एक ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया तो ये फॉर्मूला हो जाएगा HClO4, और HClO4 ये फॉर्मूला भी पता चला और फॉर्मूले के साथ साथ मुझे इसका नाम भी पता चला। क्या बोल रहा हूं कि एक एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ा के लिखोगे तो उसके नाम के आगे पर वर्ड ऐड कर देना और लास्ट में एक ही रहने देना, ठीक है। तो HClO4 का जो नाम होगा वो पर क्लोरिक एसिड होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो HClO4 का नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पर क्लोरिक एसिड होगा। HClO4 का नाम क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड होगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये सब हमने कहां से शुरुआत करके सीखा, क्लोरिक से, ठीक है। क्लोरिक में एक ऑक्सीजन कम करने से क्लोरस एसिड हो गया, क्लोरस में एक ऑक्सीजन कम करने से हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, क्लोरिक में एक ऑक्सीजन बढ़ा देने से जो है पर क्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। आपको ये रटना था, लेकिन इसको रटने से आपने चार नाम सीख लिए, ठीक
ठीक है। ऐसे ही आपने चार नहीं सीखे, आपने बहुत सारे सीख लिया, मैं आपको और प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक हल्की सी चीज मैं और बताना चाहूंगा, ठीक है, एक हल्की सी चीज मैं और बताना चाहूंगा, और उसको भी आप यहीं पे साथ में नोट करेंगे, ठीक है। इसका जो एनायन होता है, जब एनायन का नामकरण करते हैं, ठीक है, तो एनायन का जब नामकरण करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वो इक फॉर्म के एसिड से बना होगा या वो ओयूएस फॉर्म के एसिड से बना होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है, पहले मैं उधर वाली चीज हटा दे रहा हूं, ये चीज जो मैंने यहां बताई है ये कॉपी पे एज इट इज सुंदर सुंदर उतारोगे, और कॉपी पे उतारने के साथ साथ उसको दिमाग में ऐसी फोटो की तरह छाप लोगे। अब समझो यार, ऑक्जी एसिड है, ऑक्जी एसिड है आपके पास, आपके पास ऑक्जी एसिड है, ऑक्जी एसिड के लास्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ मिलेगा, या तो इक लगा हुआ मिलेगा या ओ यू एस लगा हुआ मिलेगा, ये दो लगे हुए मिले, या तो इक लगा हुआ है या ओ यू एस लगा हुआ है, ठीक है। कैसे ध्यान रखोगे, इक फॉर्म याद रख लो, बाकी अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था, इसका जो ऑक्जी एसिड का जो हाइड्रोजन हटा देते हैं, चाहे एक हटाएं, दो हटाएं, तीन हटाएं, ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो उसके बदले में उसका क्या बनेगा, ऑक्जी एनायन बनेगा, ठीक है। तो ऑक्जी एनायन बनेगा, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, एसिड से जब उसको आप एनायन में बदलेंगे ना, ठीक है, ये भी ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है, ऑक्जी एसिड से एसिड फॉर्म से जब आप उसको एनायन में बदलेंगे तो ये आई सी वर्ड हटा देना उसका, और उसके बदले में एटीई एट वर्ड जोड़ देना, ठीक है, एटीई जोड़ देना उसके लास्ट में, एक हट जाएगा एट जुड़ जाएगा, हाँ, एक एसिड जो है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, जो एक एसिड बना हुआ था, एक एसिड, ठीक है, उस एक एसिड का एक हटा दोगे और एटी एट आयन कर दोगे उसे, जो ओ यू एस था वो ओ एस एसिड, ठीक है, एस एसिड, उसका एस हटा दोगे आप लोग, और उसके बदले में जो एनायन बनेगा उसमें आई टी ई कर दोगे, आई टी ई आयन, एसिड वर्ड भी ड्रॉप करने पड़ेगा फिर, तो आयन लिखना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो अभी आप इतना जान लें कि ऑक्जी एसिड से जो ऑक्जी एनायन बनते हैं, आप लोग सिर्फ एसिड का नाम नहीं सीखे, ऑक्जी एनायन का भी सीख गए। बस आपको छोटा सा काम करना है, एसिड के लास्ट में जो इक आता है, एसिड के लास्ट में जो ओ यू एस आता है, वो इक या ओ यू एस वर्ड को आपको, या इतने पार्ट को आपको ड्रॉप कर देना है, हटा देना है, उसके बदले में आपको एटीई एट लिख देना है या आईटीई आईट लिख देना है, ठीक है, तो वो उसके एनायन का नाम हो जाएगा, ठीक है। और जितने हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है आप लोग हटाओगे उतना माइनस चार्ज उसके ऊपर आएगा। अब मैं इसका भी आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है, अभी आपके सामने पूरे बोर्ड की सारी चीजें नजर आ रही होगी, तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहां से लेके उधर तक पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो HClO4 का नाम मैंने आपको क्या बताया था, पर क्लोरिक एसिड, HClO3 का नाम क्या बताया था मैंने, क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो पहले तो इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसका अगर मैं हाइड्रोजन हटा दिया होता तो ClO3- बनता, ठीक है, तो ClO3- बनता तो ClO3- का नाम क्या हुआ, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, जो ये क्लोरिक था ना, क्लोरिक, उसका एक हटा दो और बोलो सर इसका नाम होगा क्लोरेट आयन, ठीक है, क्लोरेट आयन नाम होगा। अच्छा, सिर्फ सफिक्स पार्ट को हटाना है, एक या ओयूएस को हटाना है, उसके परफिक्स में चाहे पर लगाए, चाहे हाइपो लगाए, चाहे आगे मैं कुछ और सिखाऊंगा, ऑर्थोमेटा पाइरो, कुछ भी लगाए वो एज इट इज रहने देना, ठीक है। तो ClO3- का नाम क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरेट आयन हुआ। कैसे पता चला, ठीक है, अभी मैंने इसको आपको याद करवाया है, इसका अभी एक पार्ट आपको ड्रॉप कर देना है, इसका जब हाइड्रोजन हटाओगे तब, तो एक पार्ट ड्रॉप कर देना, एक पार्ट हटा देना और बदले में क्या लगा देना, एटीई लगा देना, तो एट एनायन हो गया, ये क्लोरेट एनायन हो गया, ठीक है। देखो हर बच्चे की एक जैसी समझ नहीं होती, और वीडियो लेक्चर के साथ पढ़ा रहा हूं, तो मैं, कुछ बच्चे हैं बहुत तेजी से समझ गए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि बहुत स्लो है, लेकिन मुझे तो सारे बच्चों के साथ चलना है, मैं चाहूंगा कि हर बच्चा जो बोला जा रहा है उसको पकड़ पाए। क्लोरेट आयन हुआ, अच्छा अगर ये क्लोरेट हुआ तो इसके बाद इसके एनायन का फॉर्मूला और नाम बताओगे मेरे को, बता सकते हैं, बड़े आराम से बता सकते हैं, इसको आप समझो कि ClO2- होगा, ठीक है, एच हट गया, एच हट गया, एक एच हटा तो एक माइनस आया, ठीक है। तो ये जो एनायन है ना, इसका एनायन का फॉर्मूला अपने आप से, इसका नाम अपने आप से लिख दोगे, क्यों लिख दोगे, आपको पता है कि ये क्लोरस एसिड से बन रहा है, और क्लोरस एसिड के लास्ट में क्या लगा होता है, ओ यू एस लगा होता है,
तो ये क्योंकि क्लोरस एसिड से बन रहा है तो इसलिए इसका जो नाम होगा वो क्लोराइट होगा। ठीक है, इसका जो नाम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों वो क्लोराइट होगा। क्यों राइट हुआ? क्योंकि एस के बदले में हम आइट यूज करते हैं और इक के बदले में हम एट यूज करते हैं, तो इसका नाम क्लोराइट हुआ। अच्छा, इसके एनायन का फॉर्मूला कोई बताएगा? ऑब्वियस बात है, इसके एनायन का फॉर्मूला होगा सीएलओ माइनस। ठीक है, एक एच हटाया, सीएलओ माइनस बच गया। इसका नाम क्या होगा? इसके नाम में ये हाइपो एज इट इज पड़ा रहेगा, हाइपो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहां आएगा हाइपो। ठीक है, और जो ये क्लोरो पार्ट था वो भी एज इट इज रहेगा, बस एस पार्ट हट जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा, तो आप हाइपो क्लोराइट आयन इसे नाम दोगे, हाइपो क्लोराइट आयन। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरेट आयन, ये क्लोराइट आयन, ये हाइपो क्लोराइट आयन। हाँ, इसमें अगर वही है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे लिखना होता, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे लिखना होता तो इसके करस्पॉन्डिंग एनायन का फॉर्मूला क्या होता? सीएलओ फोर माइनस। ठीक है, सीएलओ फोर माइनस इसके एनायन का फॉर्मूला होता, एक एच प्लस चला गया। और इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो नाम होता, पर तो एज इट इज रहेगा लेकिन ये ई कट जाएगा, पर रहेगा लेकिन ई कट जाएगा। ठीक है, पर क्लोरेट, इसका नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पर क्लोरेट होगा। ठीक है, तो अब आप लोग जरा जल्दी से समझिए कि हमने क्या कराया। ठीक है, अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले शुरुआत में आपसे पूछा था पोटेशियम क्लोरेट, तो आपके दिमाग में नहीं गया होगा कि क्लोरेट क्या होता है, अब आपके दिमाग में जाएगा कि क्लोरेट क्या होता है। ठीक है, क्लोरेट एक ऑक्सीजन आयन है जो क्लोरिक एसिड से बना है, तो आपको क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HClO3 दिमाग में आएगा, तो क्लोरेट का भी आ जाएगा ClO3 माइनस। ठीक है, अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने सिर्फ एनायन से एनायन का नाम ड्राइव करना है तो आपको क्लोरेट आयन पता होना चाहिए। क्लोरेट का जब एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो क्लोराइट हो जाता है, क्लोराइट का जब एक ऑक्सीजन और कम हो गया तो हाइपोक्लोराइट हो गया। ठीक है, मतलब हाइपोबर्ड लग गया। क्लोरेट में जब एक ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया तो वो परक्लोरेट हो गया। ठीक है, तो जो काम आप एसिड के लिए एक और एस में कर रहे थे हाइपो और पर लगा के, वही काम आप इसमें एट और आइट में करेंगे पर और ओ यू हाइपो लगा करके। ठीक है, क्लोरेट आयन सीएलओ थ्री माइनस, एक ऑक्सीजन कम करके क्लोराइट आयन, एक और ऑक्सीजन कम करके हाइपोक्लोराइट आयन, ये एक ऑक्सीजन बढ़ा करके इसमें पर क्लोरेट आयन, यहाँ एट रहेगा एट रहेगा, यहाँ आइट और आइट रहेगा। सर क्या ये स्टैंडर्ड रूल है? नहीं, शॉर्टकट रूल है। ठीक है, बनाए हुए रूल है कि आपको कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये आप सिर्फ बनाए हुए रूल है आपके साथ मस्ती मस्ती में चीजों को याद करवाने के लिए, शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। ठीक, तो अभी आप लोगों के साथ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एनायन का नाम लिखना सिखाने की मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब आप सीख जाओगे तो इनऑर्गेनिक में अचानक मेरे से कोई पूछ लेगा ना पोटेशियम पर क्लोरेट क्या है, तो मुझे उसके सामने डरने की जरूरत नहीं फील होगी, बड़े जल्दी से बता सकता हूँ। मुझे क्लोरेट ध्यान रहेगा तो पर क्लोरेट भी ध्यान रहेगा, आप बड़े फटाक से बोल सकते हो सर पोटेशियम पर क्लोरेट KClO4। ठीक है, पोटेशियम तो मैं उम्मीद करता हूँ एक इलेवंथ वाला बच्चा जानता ही है के पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम पर क्लोरेट का फॉर्मूला क्या हो गया? KClO4। ठीक है, इस वीडियो के शुरुआत से करने से पहले हो सकता है पर क्लोर पोटेशियम पर क्लोरेट जानने वाले बच्चे हार्डली 1% भी ना हो। ठीक है, लेकिन अब आप सब जानोगे। ठीक, उसी टाइप से कल को अगर मैंने बोला सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट सुन के हमें डर नहीं लगेगा, हमें अपने आप दिमाग में आएगा कि NaOCl, ठीक है, या NaClO। ठीक, तो ये चीज क्या है? ये चीज आप ट्रिक को सही से फॉलो करोगे तो आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, आपके सामने बना हुआ है, मैं फिर एक बार जल्दी से बोलूं, क्लोरिक एसिड के नाम के साथ रटने के साथ आपकी शुरुआत होनी चाहिए थी, ये आपको आना चाहिए था, वो जो पांच मैंने बताए थे उसका ये पार्ट है। ठीक है, तो ये क्लोरिक एसिड है, क्लोरिक में जब एक ऑक्सीजन कम किया जाएगा तो एक हटके OUS हो जाएगा, ये क्लोरस एसिड हो गया, उसमें एक ऑक्सीजन और कम किया जाएगा तो फॉर्मूला HClO हो जाएगा। ठीक है, या HOCl भी लिख सकते हो। और इसका जो नाम है, अब इसके नाम में आप लोग नाम के आगे हाइपो जोड़ दोगे, हाइपोक्लोरस हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक ऑक्सीजन जोड़ोगे तो वो फिर क्लोरिक तो रहेगा लेकिन उसके नाम के आगे पर जुड़ जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि इनका जब हाइड्रोजन हटाओगे तो उससे उनका एनायन बनेगा, लेकिन एनायन का नाम लिखने के दौरान एक एसिड वर्ड को ड्रॉप कर देना, एक ड्रॉप करो तो बदले में ATE 8 लगा देना, OUS ड्रॉप करो तो बदले में आइट लगा देना। ठीक है, तो HClO4 का जब H ड्रॉप किया
तो ये क्लोरेट हुआ, पर क्लोरेट इसका जब हमने एच ड्रॉप किया तो ये क्लोरेट हुआ, ठीक है। इसका HClO4 का ड्रॉप किए तो सिर्फ एक को हटा के एट किए, इसका नाम पर क्लोरेट, ये HClO3 क्लोरिक था, इसका एच ड्रॉप किए तो ये क्लोरेट आए, ठीक है। ये HClO2 क्लोरस था, क्लोरस का एच ड्रॉप किए CLO2 माइनस बना, ये क्लोराइड हो गया। इसका फिर एक और ऑक्सीजन कम किए तो ये जो है हाइपो क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से मैं शुरुआत करूंगा तो आप लोग कर पाओगे। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस वीडियो पॉज करके खुद करें, ठीक है। कैसे खुद करें इसको आप इसी पूरी चीज को, इसी टाइप के एसिड्स का नाम और उनके एनायंस का नाम आप लोग लिखें, किसके करस्पॉन्डिंग, HBrO3 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, HBrO3 के करस्पॉन्डिंग लिखें, ठीक है। इधर ध्यान दें, मैं आपको यहां पे, ठीक है, इस बार यहां लिखते रहूं, मैं यहां पे आपको HBrO3 दे रहा हूं, इसका नाम लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो बाकी एसिड्स हैं उनका नाम लिखेंगे HBrO3, जिसका नाम तो अभी मैंने बताया था ब्रोमिक एसिड होता है, ब्रोमिक एसिड, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग बाकी एसिड्स का नाम लिखेंगे और उनसे बनने वाले एनायंस का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये इतना काम जो है वीडियो पॉज करके ऐसी चुटकियों में कर डालें। हाँ तो बच्चों आपने किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूं, HBrO3 ब्रोमिक एसिड था, HBrO3 में हमने एक ऑक्सीजन बढ़ाया, ठीक है, HBrO4 कर दिया, एक ऑक्सीजन बढ़ा करके बढ़ाया है, बढ़ाया तो हम लोग क्या करते हैं उसके नाम के आगे पर लगा देते हैं, पर ब्रोमिक एसिड, ठीक है, ऊपर लेके जा रहे हैं ना, उड़ा रहे हैं ना, उड़ा रहे हैं तो पर लगा दिया, उसके पंख लगा दिए हम लोगों ने, पर ब्रोमिक एसिड, ठीक है। अच्छा उसका जब एक ऑक्सीजन कम कर दें इसका, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, HBrO2, और HBrO2 बनना चाहिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमस एसिड, ठीक है। जब हम ब्रोमिक में से या इक फॉर्म में से एक ऑक्सीजन कम करते हैं तो वो एस हो जाता है, तो ये ब्रोमस एसिड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने, ठीक है, क्या इसका एक ऑक्सीजन और कम कर दें तो ये क्या हुआ, HBrO, ठीक है, HBrO, या इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, HOBr, ठीक है, ये एक ही चीज है। अब वही बात है, ब्रोमस में से या एस में से एक ऑक्सीजन और कम कर देते हो तो वहां पे आपके नाम की, इसके नाम के आगे हाइपो वर्ड ऐड हो जाएगा, हाइपो ब्रोमस एसिड, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा हाइपो ब्रोमस एसिड। तो पर ब्रोमिक एसिड, ब्रोमस एसिड और हाइपो ब्रोमस एसिड। अच्छा ब्रोमिक एसिड के करस्पॉन्डिंग जो एनायन बनेगा, ठीक है, पहली बात उसका फॉर्मूला क्या होगा, BrO3- क्यों होगा, एक एच प्लस चला गया, एक माइनस आ गया, BrO3- हो गया। इसके नाम के, इसका नाम कैसे लिखा जाता है, जो ये इक आपने लिखा हुआ है, इस इक को ड्रॉप करके आप इसको बना देंगे ब्रोमेट, ठीक है, इस इक को ड्रॉप करके आप एट लगा देंगे, आप बोलेंगे ये ब्रोमेट आयन है, ठीक है। इस OUS को ड्रॉप करके, ठीक है, इस OUS को ड्रॉप करके आप BrO2- जब करेंगे, पहले इसका एनायन बनाएंगे ब्रोमस एसिड का, और एनायन कैसे बनाएंगे, एच हटाएंगे, BrO2- बनेगा। तो इसका जब एनायन आप बनाए हैं तो आप इसको ब्रोमाइट बोलेंगे, क्यों ब्रोमाइट बोलेंगे, क्योंकि इसका OUS हटाया गया है, OUS हटा देने से ITE लगता है, आइट लगता है, तो वही है ऑक्जी एनायन के लास्ट में या तो एट लगा हुआ मिलता है आपको या आइट लगा हुआ मिलता है, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करते हैं HOBr की, तो ये क्या हुआ, BrO-, ठीक है, ये BrO- हुआ, और BrO- जो हुआ ये बोला जाएगा हाइपो ब्रोमाइट आयन, ठीक है, ये बोला जाएगा हाइपो ब्रोमाइट आयन, क्यों, आपको हाइपो तो रखना ही है पर फिक्स में कोई बदलाव नहीं होगा, बस एस को आइट कर देना है। इसी तरीके से यहां क्या होगा, यहां होगा BrO4-, और इसको आप परफिक्स में कोई बदलाव नहीं रखेंगे, पंख उसके साथ ही रखेंगे पर, और इसको बोलेंगे पर ब्रोमेट, ठीक है, पर ब्रोमेट। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग जो नाम बना वो क्या बना, पर ब्रोमेट बना, ठीक है। तो इनका नामकरण जो है वो आप लोग जल्दी जल्दी करो, ऐसी एक नाम एक याद करें, लेकिन इतने चीजें हम लोग साथ में सीखे किस तरीके से, एक छोटी सी ट्रिक से, ठीक है, तो ये आप करेंगे। अब मैं एक और दे रहा हूं आपको, हाँ तो बच्चों मैं अब आपको दे रहा हूं HIO3, जिसका नाम भी जानते हो आप लोग, फॉर्मूला भी जानते हो, ये कौन सा है, आयोडिक एसिड, ये उन्हीं पांच का हिस्सा है, आयोडिक एसिड आप जान गए हो, ठीक है।
अब इस आयोडिक एसिड से बनने वाले बाकी एसिड्स का नाम, ठीक है, जो जितना अभी बताया उतने के करस्पॉन्डिंग, तो इससे बनने वाले बाकी एसिड्स का नाम बताओ मेरे को, और इन एसिड्स के करस्पॉन्डिंग जो इनका एनायन बनेगा उन एनायन का नाम जल्दी से बताओ। वीडियो पॉज करो और जल्दी से लिखो, जल्दी से, ठीक है। ये एक चुटकी, ये दो चुटकी, बोलो कर लिया, ठीक है, वीडियो पॉज करके किया ही होगा। तो अगर आपने कर लिया है तो अब मैं आपको इसके करस्पॉन्डिंग खुद नाम बता दे रहा हूं। HIO3 आयोडिक था, ठीक है, ये पांच में है, आप कॉपी पे उन पांच को अच्छे से रट लो, लिख लो और कॉपी पे लिख लो और दिमाग में रट लो। तो ये आयोडिक एसिड है, इस आयोडिक एसिड में जब हम एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो फॉर्मूला होगा HIO2, ठीक है। तो जब HIO2 बना तो HIO2 के करस्पॉन्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा IOD, इतना तो सेम रहा, एक कटा के आप लोग OUS लगा दोगे, आयोडस एसिड। आप लोग दिमाग में रखो, एक में से एक ऑक्सीजन कम S, S में से एक और कम हाइपो S, हाइपो नाम के आगे S नाम के पीछे, और एक में एक ऑक्सीजन जोड़ने पर उसके पंख लग जाएंगे, पर लग जाएंगे, तो वो पर इक हो जाएगा, ठीक है, HIO। तो HIO का अगर एक ऑक्सीजन और कम कर दिए तो ये हो गया HIO, HIO2 का एक ऑक्सीजन कम कर दिए तो HIO, या आप इसको लिखोगे HOI, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे आपको लगाना होगा हाइपो आयोडस एसिड, ठीक है, आगे हाइपो लगाना होगा, आगे वही है आयोडस एसिड। एक ऑक्सीजन आप जोड़ दोगे तो फॉर्मूला HIO4 हो गया और नाम इसका जो है वो पर आयोडिक एसिड हो गया। तो इतना तो आप किए होंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग में सभी एनायंस का नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है। IO3 माइनस जो है, क्योंकि वो आयोडिक एसिड से बन रहा है तो इसको आप आयोडेट बोलेंगे, ठीक है, आयोडेट आयन। बहुत अच्छी ट्रिक है, और अभी इस ट्रिक में और चीजें जोड़ूंगा तो ये काफी अच्छी हो जाएगी, जो कई सारे नाम आप लोग रटने वाले थे वो सारे रटने के बजाय आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है, पूरा आना चाहिए एक साथ। ये आयोडेट हुआ, ठीक है, आयोडेट का एक ऑक्सीजन कम कर देने से, चाहे उधर से समझ लो चाहे यहां से डायरेक्ट समझ लो, आयोडेट का आपने एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो IO2 माइनस बना, इसको आप बोलोगे आयोडाइट आयन, ठीक है, एट से आइट हो गया। एक ऑप्शन और कम करके जो आप IO माइनस बोलोगे इसको बोलोगे हाइपो आयोडाइट आयन, ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन जोड़ के जो आप लोग IO4 माइनस बनाएंगे, जोड़ करके बाकियों में घटा करके बन रहा है, इस केस में जोड़ करके बनेगा, ठीक है। तो ऐड करके आप जो बनाएंगे इसके साथ, इसको बोलोगे पर आयोडेट आयन, ठीक है, ये पर आयोडेट आयन हो गया। तो आयोडेट आयन, पर आयोडेट आयन, आयोडाइट आयन, और फाइनली क्या, हाइपो आयोडाइट आयन, ये हमने कर लिया। हम तो बच्चों प्रैक्टिस के नाम पे मैं वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए, ठीक है, मैं थोड़ा सा खुद ही अब अपने साथ साथ खुद ही डील करते जा रहा हूं। आप बताओ H2SO4 आपने सीखा, ठीक है, तो H2SO4 अभी आपने नाम याद किया था, ये कौन सा एसिड था, ये था सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये तो इतना कॉमन है कि हर कोई बच्चा जानता है, मैं नाम याद कराऊंगा तो भी जानेगा ही जानेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप एक ऑक्सीजन कम कर देते मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो क्या बनता, H2SO3, ठीक है, तो अगर एक ऑक्सीजन कम करने से एक H2SO3 बनता तो इसका नाम भी, वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसका नाम भी याद रखते हैं, लेकिन आज उन्हें पता चलेगा कि वो नाम जो था उसके पीछे कारण था, एक में से जब एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ये बन गया सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड था और उसका एक ऑक्सीजन कम होने से मेरे प्यारे बच्चों ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस में देता आप भी यही करते, ठीक है, लेकिन मैं टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहा। अच्छा, इसमें से मान लो एक ऑक्सीजन कम कर देता हूं, ठीक है, कम कर देता हूं तो क्या बनता, H2SO2, क्या नाम होता इसका, नाम क्या लिखते आप लोग, आप लोग लिखते हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, क्योंकि इतना पंडित मैं आपको बना दिया हूं कि एटलीस्ट नाम लिख पाओ, नाम बता पाओ, ठीक है। तो नामकरण करना मैंने सिखाया, तो आप लोग इसका नाम अगर लिखने की बात आती तो आप इसका नाम हाइपोसल्फ्यूरस एसिड लिखते, ठीक है, लेकिन ये आप ये क्यों बोल रहे हैं लिखते, ठीक है। तो भाई हम लोग ऐसे कपल की तरह नहीं बिहेव कर रहे, ठीक है, कि शादी के दिन ही बच्चे का नाम डिसाइड करके बैठे हैं और बच्चा हुआ ही नहीं अभी तक, ठीक है, तो इतना जल्दबाजी नहीं है। तो बात यह है कि ये जो H2SO2 है ना, H2SO2 ये आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, दुनिया में आया ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, तो हम इसका नामकरण करें क्यों, ठीक है। अगर ये आया होता तो इतने पंडित तुमको बना दिए हैं कि इसका नाम आप लोग हाइपोसल्फ्यूरस एसिड जरूर लिख देते,
लेकिन करना ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ है, आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड ये है ही नहीं, है ही नहीं तो नाम काहे का। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं एक ऑक्सीजन जोड़ा होता तो ऑब्वियस सी बात है इसके करस्पॉन्डिंग नाम जो बनता वो बनता एच टू, फॉर्मूला जो बनता है H2SO5। क्या ऐसा कोई एसिड होता है? होता है। ठीक है, इसके नाम के पीछे मैं कुछ और डिटेल में जाना चाहूंगा, उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग की कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह डिस्कस करनी होगी। 11th वाले बच्चों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अभी मैं उतने से काम चलाऊंगा जो मैं तुम्हारे को बताने के लिए सफिशियंट समझता हूं, जिनकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। H2SO5 आपको नाम भी आता है तो अभी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा कि सर ने नाम क्यों नहीं कराया, सर को आता नहीं है क्या? भाई 15 साल से पढ़ा रहा हूं, कम से कम 14 से 15 साल हो गए मेरे। ठीक है, ये मैंने छोड़ा है तो ये आपके भले के लिए ही छोड़ा है। ठीक है, इसकी जब जरूरत होगी, ठीक है, आपको मैं कराऊंगा। आपको अभी से मैं इतना कुछ दे दूं कि आप परेशान होने लगे वो मैं नहीं चाहता हूं। आपको मैं स्टार्टिंग टाइम में मैं इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा हूं, ये स्पून फीडिंग कहलाता है। ठीक है, इसको मैं आपको धीरे धीरे इसीलिए करा रहा हूं कि आप भी छोटे बच्चों की तरह हैं अभी अभी, आप बहुत कोई बड़े नहीं हो गए कि सब कुछ एक साथ देता रहूंगा और आप समझते रहोगे। ठीक है, तो मेरे साथ काम करो, मेरे साथ चलो। ठीक है, मुझे पता है कब स्पीड पकड़नी है और कब तक धीरे धीरे बच्चों टाइप पढ़ाना है। ठीक है, और कहां पे क्या पढ़ाना है ये मुझे मत सिखाने की कोशिश करो। ठीक है, या ये अपने आप में ये दिमाग में पालो ही मत। ठीक है, अब इधर बात करते हैं सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड की। तो इसका एनायन वगैरह का फॉर्मूला तो आप वैसे ही जानते हो। ठीक है, एस इसका जब दोनों एच प्लस हटा दिए तो 2H+ हटाएंगे ना, इस केस में 2H है तो 2H हटाने से 2SO4 2- बनेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड था तो इसका नाम सल्फेट हो जाएगा, तुम पहले से जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सल्फेट हो गया। ये वाला इसके पीछे या इसके साथ भी 2H जुड़े हैं। ठीक है, तो इसके साथ 2H जुड़े हैं तो इसके केस में जब मैं लिखने जाऊंगा तो ये हो जाएगा SO3 2-। ठीक है, इसके साथ 2H जुड़े हैं, दोनों H प्लस हटाए तो SO3 2- बना। ये सल्फेट आयन था तो इसको आप बोलोगे सल्फाइट आयन। ठीक है, अगर इंटरेस्ट के साथ करोगे तो मजा आएगा, आप सीखोगे कि आपके आज दिमाग में पहली बार जा रहा होगा कि एट कब लगता है, आइट कब लगता है, हाइपो कब लगता है, पर कब लगता है। ठीक है, आइड कब लगता है, आईडी वो भी मैंने बताया था, वो नॉर्मल एनायन के लास्ट में लगता है, इसीलिए अभी हम लोग उस यहां जो कर रहे हैं वो ऑक्जी एनायन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आईडी वाला केस हमारे सामने नहीं आया। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, सल्फेट, सल्फाइड सीखे ना। अब और करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसका नाम पता है, नाम फॉर्मूला पता है अपने को, HNO3 कौन सा है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, अच्छी बात है। अच्छा, HNO3 में अगर मैं एक ऑक्सीजन जोड़ के लिखता तो HNO4 बनता। ठीक है, और HNO4 बनता तो उसका नाम क्या होता, पर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसका नाम होता पर नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो ये नाइट्रिक एसिड और इसके करस्पॉन्डिंग बना पर नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीजन जोड़ के। एक ऑक्सीजन कम की होते तो 11th, 9th, 10th वगैरह में इसका फॉर्मूला भी कभी ना कभी आंखों में सामने आया है। ठीक है, HNO2। ठीक, तो HNO2 क्या हो जाएगा, जो ये नाइट्रिक था अब ये बदल जाएगा नाइट्रस में। ठीक है, अभी तो एक छोटी सी ट्रिक पे काम कर रहे हैं यार, इक का एक ऑप्शन कम किए, एस एक बढ़ाए, पर ठीक है एक रहेगा लेकिन पर जुड़ जाएगा। इसमें से अगर एक ऑप्शन और कम कर लें, ठीक है एक ऑप्शन और कम कर लें तो HNO बनेगा। ठीक है, अच्छा अभी H2SO4 वाले केस में मैं क्या बोला था कि H2SO2 पैदा ही नहीं हुआ था। ठीक है, इस केस में क्या है, ये भी पैदा नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों कि जुड़वा पैदा हो जाता है। ठीक है, इस केस में पैदा जरूर हुआ है लेकिन इस केस में अलग केस है, पैदा नहीं होने वाला केस नहीं है। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है लेकिन यहां डिफरेंस क्या है, इसमें यह है कि यह जुड़वा पैदा हुआ है। जुड़वा पैदा होने का क्या मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये कभी HNO की फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा HNO का होल ट्वाइस, ये जुड़वा है। ठीक है, और इसका सही तरीका क्या होगा लिखने का, H2N2O2। ठीक है, तो है वही HNO है लेकिन हर किसी को दुगुना करो, H2 करो, N2 करो, O2 करो। ठीक है, क्यों करो, क्योंकि ये जुड़वा आया है दुनिया में। ठीक है, होता है, कोई बच्चा होता नहीं और कई जुड़वा भी होते हैं, तो यहाँ H2N2O2 जो है ना। ठीक है, और नाम क्या होगा इसका, नाम वही होगा हाइपो
नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रस एसिड, ये हाइपोनाइट्रस एसिड और ये पर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हालांकि मैं एनायन आपको इसमें जो काम के हैं वही कराऊंगा। तो इसके अंदर एक तो इसका एनायन काम का है और एक इसका एनायन काम का है, ठीक है। इसके एनायन को हम लोग बोलते हैं एनओ थ्री माइनस को हम बोलेंगे नाइट्रेट, ठीक है, जानते भी हैं शायद, ठीक है। नाइट्रिक था, एक एच प्लस हटा, एक एच प्लस हटने से एनओ थ्री माइनस आया, नाइट्रेट बोलेंगे। ये नाइट्रस एसिड है, एस है ना, ओ यू एस, इसका एच हटाओगे तो क्या बनेगा, पहली बात तो एनओ टू माइनस बनेगा, और एनओ टू माइनस बनेगा तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट आयन, ठीक है। एसिड वर्ड भी ड्रॉप करना, आयन लिखना है, तो ये नाइट्रेट आयन हुआ, ये कौन सा हुआ, नाइट्राइट आयन हुआ, ठीक है। बाकियों के आयन की हमें जरूरत नहीं है, हम उतना ही काम करेंगे जितनी हमारे को जरूरत है। ये भी अगर नाम बता के चलता तो भी काम चल जाता, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग था, ठीक है। H2SO2 में ये था कि वो पैदा नहीं हुआ था, और HNO में ये था कि वो जुड़वा पैदा हुआ है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट आयन, नाइट्रस एसिड नाइट्राइट आयन, ठीक है। इन एस इक एट आइट, इन सब के डिफरेंस को समझो, मजा आएगा, ठीक है। एक लास्ट केस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे, एक सिंगल लास्ट केस करते हैं। हाँ भाई, तो इसमें मैं आपसे H3PO4 के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा हूं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप अगली क्लास में सीखोगे, इसलिए मैं सिर्फ यहां नाम लिख के छोड़ रहा हूं, सिर्फ नाम लिख के छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये है फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा एसिड है मेरे प्यारे बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड, अभी बताया भी था मैंने। ये फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ठीक है। इस H3PO4 का अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर देता हूं, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन कम करने से H3PO3 बनेगा। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, एक ऑक्सीजन कम करने से H3PO3 बनेगा। इसको आप लोग बोलोगे एक हटा दोगे, और एक हटा के आप इसको बोलोगे फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसको आप फॉस्फोरस एसिड बोलोगे, तो ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरस एसिड है, ठीक है। और इसका एक ऑक्सीजन और कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन और कम कर दिया जाए तो इसमें फॉर्मूला बनेगा H3PO2, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके नाम के आगे जुड़ जाएगा हाइपो, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस एसिड, और इसका नाम हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और एक ऑक्सीजन इसका और जोड़ने से इसका फॉर्मूला होगा H3PO5, जिसका नाम अभी मैं आपके सामने छोड़ के चल रहा हूं। इसके एनायंस का भी नाम मैं छोड़ के चल रहा हूं, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको कुछ और मजेदार ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आज तो जस्ट शुरुआत थी और इलेवेंथ वाले बच्चे हो, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कब जो है मेटा वर्ड यूज होता है, कब पायरो वर्ड यूज होता है, कब ऑर्थो वर्ड यूज होता है, फिर उनके करस्पॉन्डिंग हम लोग एसिड का नाम और एनायन का नाम लिखना, फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ करो, बार बार समझो, काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, इसके बगैर केमिस्ट्री नहीं आती है। हमें कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो केमिस्ट्री कहां से आएगी, ठीक है। तो आप करो इस चीज को अच्छे से।